आज मैंने कोरोना की पूरी समीक्षा की है। ऑक्सीजन की कमी का विषय महत्वपूर्ण था जो मुझे चिंतित कर रहा था। आज मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से भी बात की और उनसे आग्रह किया है कि ऐसे संकट के समय ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकनी चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि दिक्कत उनको भी है कोविड के पेशेंट्स के कारण, लेकिन वो यथासंभव प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों को ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती वो आपूर्ति सुनिश्चित रह सके। लेकिन हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। प्रारंभ में मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता थी केवल 50 टन, अभी बढ़ा के हमने 120 टन कर ली है और 30 सितंबर तक हम 150 टन ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लेंगे। मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से 20 टन ऑक्सीजन मिलती थी, आईनॉक्स एक कंपनी नागपुर से सप्लाई करती थी, अब वही कंपनी हमें 20 टन ऑक्सीजन की सप्लाई गुजरात से और उत्तर प्रदेश से करेगी। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन के छोटे छोटे प्लांट हैं उनकी क्षमता भी केवल 50-60% थी, 50-60% क्षमता पर चल रहे थे। हमने उनको आग्रह किया है कि वो फुल कैपेसिटी पर अपने प्लांट चलाएं ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता में और बढ़ोतरी की जा सके। शॉर्ट टर्म सारी व्यवस्था हमने कर ली है। मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि ऑक्सीजन की कोई कमी कोविड पेशेंट्स के लिए नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी हमने बाबई के मुहासा में आईएनएक्स कंपनी ने कहा था हम ऑक्सीजन का प्लांट डालेंगे, तो उसको स्वीकृति दी है, अनुमति दी है, जल्दी उसका काम शुरू करेंगे और 200 टन ऑक्सीजन 6 महीने के अंदर बनाने की क्षमता का प्लांट खड़ा कर लिया जाएगा। क्योंकि कोविड कब तक चलेगा इसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब अनलॉक भी नहीं किया जा सकता, अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर रखनी है, इसलिए मास्क लगाना यही उपाय है उससे बचने का। दूसरी मेरी बड़ी चिंता थी जो आज हमने फैसला किए हैं, एक हमको हमारे जो फीवर क्लिनिक्स है सारे कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं, प्रभारी अधिकारियों को, वहाँ टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था हो और वो ढंग से काम करें। दूसरे कोविड कंट्रोल और कमांड सेंटर हर एक ज़िले में हम सक्रिय कर रहे हैं, 3 दिनों में हर ज़िले में चालू हो जाए, वहाँ आवश्यकता के अनुसार एम्बुलेंस भी रहे ताकि जो होम आइसोलेशन में लोग हैं उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा सके। हमने अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर रहे इसकी भी समीक्षा और व्यवस्था की है। ग्वालियर में, जबलपुर में थोड़ा चैलेंज है। हमारे मेडिकल एजुकेशन मंत्री विश्वास सारंग, SES सुलेमान, जरूरत पड़ेगी तो वहाँ जाएंगे, नए और अस्पताल कौन से हो सकते हैं उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में क्षमता बढ़ा रहे हैं। हर एक ज़िले में कलेक्टर्स को प्रभारी अधिकारियों के निर्देश दिए हैं कि उन ज़िले में भी क्षमता बढ़ाने के साथ साथ जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें भी कुछ बिस्तर कोविड के लिए ज़रूर रहे। ये पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, पूरे देश में बढ़ रही है, बाकी राज्यों की हालत तो बहुत हमसे पेशेंट्स के संख्या के मुकाबले में मैं ख़राब तो नहीं कहूँगा, लेकिन पेशेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है। हम मैनेज करेंगे, चिंता की ज़रूरत नहीं है, हर तरह की हर संभव व्यवस्थाएं की जाएगी।